हाय गाइस, वेलकम टू इंडियन यूट्यूबर वंदना। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने अपना रक्षाबंधन किस तरह सेलिब्रेट किया है। तो चलिए आइए देखते हैं। और ये आसी के हाथ में मेहंदी लग रही है और उसने फर्स्ट टाइम मेहंदी लगवाई है, क्योंकि स्कूल में उसके मेहंदी अलाउड नहीं है, बट अब की वो परमिशन लेके आई थी मैम की, इसलिए लग रही है। और ये देखिए, हम लोग जा रहे हैं अपनी सिस्टर के यहाँ, क्योंकि जो आशी है वो मेरे जो सिस्टर का बेटा है, और अभी छोटा बाबू जो हुआ है छोटी सिस्टर के, वो उसको राखी बांधेगी फर्स्ट टाइम, और बड़ी सिस्टर के बेटे को तो राखी बांधती है वो। तो ये मेरा रक्षाबंधन मेकअप लुक मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो अभी हम लोग सिस्टर के यहाँ जा रहे हैं, और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा ये शेयर कर दूँ मैं, कि मैंने ये चूड़ियाँ डाली हुई हैं। और ये जो राखी आप देख रहे हैं, ये मेरी नंद ने मुझे राखी बांधी है, और वो सुबह आ जाती हैं, और सुबह थोड़ा जल्दी आती हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि मैं भी जाती हूँ सिस्टर के घर, इसलिए वो सुबह जल्दी आती हैं राखी बांधने, और वो इनको भी राखी बांधती हैं और मुझे भी टीका लगाती हैं, फिर मुझे भी राखी बांधती हैं। तो ये वो राखी है फ्रेंड्स। और ये देखिए मेरा आई मेकअप लुक आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। और ये मेरा, और ये गोमती नदी पड़ती है रास्ते में, ये पुल से मैं जा रही हूँ, तो गोमती मैया को मैं नमस्कार कर रही हूँ, जय बोल रही हूँ गोमती मैया की। और ये देखिए मेरे झुमके आपको कैसे लगे, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये अभी मैंने नए ही लिए थे, अभी मैं गई थी रक्षाबंधन शॉपिंग ब्लॉग में डालने वाली थी फ्रेंड, बट उसके बाद अभी दो दिन मैं बहुत बिजी थी, इसलिए मैं अपना वो शॉपिंग ब्लॉग आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई। तो ये मैंने सोचा कि लाइए आप लोगों से इसी तरह दिखा दूँ। और ये देखिए मेरी मेहंदी जो मैंने फ्रंट और बैक लगाई थी, और ये मैंने दवा ली हुई है सॉरी फ्रेंड, और ये मैं दवा खा रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों बीच रास्ते में मेरा सर एकदम से दर्द होने लगा और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मैंने इनसे बोला कि टैबलेट लेके आओ, तो ये गाड़ी रोक के फिर मेडिकल स्टोर से एक टैबलेट लेके आए मेरे लिए, और उसके बाद फिर ये एक बॉटल पानी लेके आए, फिर मैंने दवा खाई, और बहुत एकदम से मेरे सर में दर्द काफ़ी तेज होने लगा था फ्रेंड। तो फिर ये मैंने अब दवा ववा खा ली है, और फिर से मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ये मेरा झूमर लटकन और ये मेरी राखी, अगर आपने नहीं देखी हो तो फ्रेंड फिर से देख लो। और मैंने कोई रक्षाबंधन के लिए स्पेशल कपड़े नहीं खरीदे थे फ्रेंड, और मैंने अपना जो रखा हुआ पुराना ही सूट मैंने डाला था, वेयर किया था। और मैंने आसी के लिए एक ड्रेस ज़रूर ली थी, और वो आसी ने पहनी हुई थी। आसी के लिए मैं नया लेती हूँ रक्षाबंधन पे, और अपने लिए मैंने बस ये झुमके जो थे, बस ये मुझे पसंद आए थे अपने लिए, वो मैंने लिए थे। और बाकी चूड़ियों का सेट तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे सारे सूट्स और सारी साड़ियों के सेट जो हैं वो बने रखे रहते हैं फ्रेंड्स, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस अभी हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं सिस्टर के यहाँ। और अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लग रहा हो फ्रेंड, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब ये घर हमारे यहाँ आने वाला है, राखी बनवाने के लिए, और ये छुट्टू राखी बनवा रहे हैं, अच्छे तरीके से राखी बनवा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर लाके बांध के नीचे लटकेगा भैया, गलत टाइम उनके जमाई भी आ रही है, सो जाओ तुम इस पे क्या हो रहा है।
ये भगवान, ये तेरा बालक है, ट्रिपल कर दे क्या, हानि चले जाओ। सब पकड़ के हमला बोल दिए उसके ऊपर अकेले पे। एक हाथ चार हाथ जुड़े। लो कोई देख रहा कि काम हो रहा है, हिल रहा है, घूम ही गई नहीं, बस हो गया। और बंदा, और बंदे, एक फंदा और लगा कस के, फंदा लेना, इतना कस के एक फंदा, दो तीन टाइट टाइट लगा, करेगी भी नहीं इनको, तुम मेरे हाथ से हाथ हटा लो, हमको लग रही है। इनका हाथ तो दिख ही नहीं रहा कहाँ है। अच्छा ये मैं हो गया। और मम्मा मेरा भैया, मेरा भैया जरूर बंद हो जाएगा, मेरा भैया पढ़ेंगे तो है नहीं, वो बाहर पढ़ेंगे भैया। वो भैया इधर देखो, भैया तीन बार है ये। राखी बन जा रहे, कह दी तुझे भैया का, ये क्या बड़ी मुसीबत, टाइट बांधना, इतनी टाइट खुलेगी नहीं। हाय थोड़ा सा दूध चटा दो, दूध हल्का सा, बस अपने साथ फोटो तो खिंचा लो भैया, वो मसाला पता नहीं कैसा उसी में डाल, नहीं काम करो मैं डाल दे, नहीं कटोरी इसमें भाई पड़ते हैं, इसमें इसमें वाला केतन मिला दिया। फ्रेंड ये हम लोगों का लंच जो है वो रेडी हो चुका है, दीदी ने छोले और भटूरे बनाए थे और ये हम लोग का लंच रखा है, तो मैंने सोचा कि खा लूँ उसे, या फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों को ऐसे ही मैं दिखा दूँ, बाद में फिर खाऊँगी मैं। और बाबू क्योंकि बगल में सो रहा था इसलिए बहुत सन्नाटा था और वो थक गया था राखी बंधवा के बहुत, तो उसके बाद वो अच्छे से सो रहा था, तो मैंने कहा बस साइलेंट होके सब लोग चुपचाप बैठो, तो बस मैंने ये वीडियो शूट कर लिया थोड़ा सा। ये देखिए कितने प्यार से सो रहा है, थक गया है बेचारा बाबू मेरा, सो क्यूट, बहुत अच्छे से सो रहा है ये। और मैंने सोचा कि लाइए मैं आपको दिखाऊं कि बाबू कितना थक गया है, और फिर हम लोग खाएंगे लंच छोले भटूरे, और सच में फ्रेंड बहुत अच्छे बने थे, दी मेरा खाने बहुत अच्छे बनाती है। ये देखिए हम लोगों के यहाँ छुटकू का भी है, मेरा है और छोटी सिस्टर का है, और ये देखिए इनके साथ ये बाबू, इन्होंने गोद उठाया हुआ है। ये देखिए हम लोगों के मेहंदी के हाथ, ये मैंने फ़ोटो ली थी हम लोगों ने, और ये देखिए ये कलाइयों में हम लोगों के राखी बंधी हुई है। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का रक्षाबंधन सेलिब्रेशन ब्लॉग, जो मैं जितना भी शूट कर पाई फ्रेंड, मैंने जितना भी मैंने शूट किया है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि मैंने आज छोटे बाबू के साथ किस तरीके से रक्षाबंधन मनाया है। और तो आप लोगों को हमारा ये व्लॉग और जो भी मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया है, मैंने मेरा मेकअप लुक और छोटे बाबू के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेशन, और आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब हम लोग रात को लौट रहे हैं और तकरीबन ये 10:30 बजा होगा फ्रेंड, तो हम लोग डिनर वगैरह करके फिर हम लोग, क्योंकि आसी का स्कूल भी था दूसरे दिन इसलिए थोड़ा लेट भी हो गए थे, अब हम लोग घर जा रहे हैं। फ्रेंड्स आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।